हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडियन मॉम गैलरी। और यहाँ पे हो रहे हैं सुबह सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी क्योंकि हमें जाना था एक फंक्शन में। और ये जो है दृश्य मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सुबह उठते ही जब भी मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो यहाँ पे बालकनी पे खड़े रह के पूरा दृश्य देखती रहती हूँ 5 मिनट तक, तो फिर जो है दूसरा काम करती हूँ। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, मेरे मामा जो है रिटायर्ड हो हुए हैं आज, तो उनका जो है फंक्शन है आज, तो बस वहीं पे हम आ गए हैं, पहुँच गए हैं। सुबह के 9 बजे है और यहाँ पे जो है पूरियाँ बेली जा रही है, फिर फ्राई हो रही है पीछे चूल्हे पे ही। पूरा खाना जो है आज का पूरा जो है चूल्हे पे ही बनाया, जैसे कि दाल चावल है, पूरियाँ है और वो सब। चूल्हे का जो है खाना बहुत ही मीठा और मस्त लगता है। और यहाँ पे मैं भी थोड़ा जो है बैठ गई हूँ बेलने के लिए, लेकिन जैनम जो है नहीं मुझे करने दे रहा। वो बोल रहा था मम्मा मैं करूँ उस टाइप का। ये क्या बना रहे हो? सलाद। ओके, क्या क्या डाला है? गाजर, गोभी, मिर्चा। आप कहाँ से आए हो? हम नौसर से आए हैं। अच्छा। तो यहाँ पे सब हंसी मजाक कर रहे थे लेडीज़ों में, और जेंट्स में जो है सब बाहर बैठे। हम राजपूतों में जो है जेंट्स जहाँ रहते हैं वहाँ लेडीज़ नहीं रहती, और लेडीज़ जहाँ पे रहती है वहाँ कोई भी फंक्शन और वो सब हो वहाँ पे जेंट्स नहीं रहते, तो उस टाइप का होता है हम राजपूतों में। और यहाँ पे जो है पूरा खाना बन के रेडी हो गया है। लड्डू जो है वो कल ही रात को बना के रख दिए थे। ये है मेरे जो नाना और मम्मी है, मेरी मौसी है, ये मेरे मामी की जो है मम्मी है, और यहाँ पे भगवान को भी जो है भोग चढ़ा दिया है। और बस यहाँ पे मैं रेडी होके मतलब पूरा मेरा आउटलुक बता रही हूँ आप सबको। यहाँ पे सब जा रहे हैं मेरे मामा के ऑफिस में, जहाँ पे उनका अलग से एक फंक्शन है जो है स्पीच देंगे, और वो फिर सबका खाना और वो सब है सबका। और यहाँ पे सब जा रहे हैं अभी, कुछ लोग बाइक लेके गए हैं मेरे भैया और वो सब, और दो गाड़ियाँ गई थी साथ में। और यहाँ पे सब लेडीज़ जो है आराम से बैठी हुई है, अभी बातचीत कर रही है, अच्छे से सबसे मिल रहे हैं सब, और वो सब हो रहा है अभी। यहाँ पे अभी खाना का जो है वो टाइम हो गया है, तो अभी हम सब खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। और यहाँ पे जो है ये मेरे मामियाँ और जो भाभियाँ वो सब है, वो हंसी मजाक कर रहे हैं। जो सिस्टर्स है और वो सब, तो सिस्टर्स में जो है मेरे बड़े मतलब कि मेरे मामा की जो है लड़की वो वही आई थी, और दूसरा जो है मौसी की लड़की और वो सब नहीं आए थे। दूसरे मामा की लड़की वो भी नहीं आई थी, वो उसकी भी तबीयत ख़राब थी, तो हम दोनों बहनें ही थी यहाँ पे और दूसरा कोई नहीं था। और बस यहाँ पे अभी खाना हो रहा है, आलू बैंगन टमाटर वो और मटर उसकी सब्जी बनाई थी, फिर जो है दाल चावल पूरियाँ लड्डू और वो सब था खाने में, फिर ये सलाद था जो आपने देखा होगा अभी।
यहाँ पे जो बैठी है वो है मेरी छोटी मामी। बड़ी मामी जो है वो मेरे बड़े मामा का 1 साल अभी नहीं हुआ था, तो वो अभी नहीं आते कोई भी फंक्शन में, तो उनकी कमी भी थोड़ी हमें महसूस होती है। और यहाँ पे जो है खाना और वो सब कर रहे हैं अभी, और ये सब खाना और वो सब हो जाने के बाद, बर्तन वो सब खुल जाने के बाद, सब आराम से बैठे और इंतज़ार कर रहे हैं मामा के आने का। और यहाँ पे तैयारियाँ हो रही, डिश में रख दिया है नारियल, फिर हार, चावल थोड़े से, फिर जो है कुमकुम और वो सब रख दिया, गुड़ और वो सब। और यहाँ पे जो है छोटी भाभी, सबसे छोटी भाभी आई है और वो दोनों हंसी मजाक कर रहे हैं अभी। यहाँ पे छोटी सी गुड़िया हमारी, देखो कितनी प्यारी लग रही है ये। और यहाँ पे आ गए हैं, ये है मेरे मामा, जो उनका जो है रिटायरमेंट फंक्शन है, तो उनका अभी स्वागत करेंगी मेरी मामी। ये है मेरी मामी जो सर पे पल्लू डाला है, और यहाँ पे स्वागत करें यहाँ मेरे मामा का। हमारी लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे जो है इमोशनल जो है दिन आते हैं, उनमें से ये एक खुशियों भरा और थोड़ा सा इमोशनल भरा भी ये एक दिन है जो है रिटायरमेंट का, जहाँ पे हमें जो है दो तरह की फीलिंग्स आती है। एक तो है कि चलो अभी हम आराम से घर पे बैठेंगे और वो सब, और दूसरी ये फीलिंग आती है कि चलो अभी रिटायर हो गए तो अभी क्या करें, उस टाइप की। मतलब दोनों की जैसे कि होते हैं ना खुशी के आंसू, उस टाइप की फीलिंग्स हमें इस समय पे बहुत आती है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत हम जो है हमारे बड़े मामा, उनको भी थोड़ा याद करके थोड़ा सा हमारा जो है मन थोड़ा सा दुखी हो रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे देखो ऐसे स्वागत हो रहा है, और मेरे मामा जो है बहुत हंसी मजाक कर रहे हैं, तो हमें बहुत हंसी आ रही थी। तो बस बारी बारी सब जो है उनका स्वागत करके उनका जो है आशीर्वाद ले रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं उनका। ये थी उनकी भांजी, और वो ये हमारे छोटे मामा की लड़की है, और ये सब भैया की जो भतीजी है, हमारी भतीजी लगती है वो सब है। ये है हम सबसे बड़ी सिस्टर, यानी कि ये मामा की लड़की बड़ी वाली। और यहाँ पे अभी जो है ये मेरी मम्मा है, और ये मैं हूँ, और यहाँ पे हमारी पार्टी हो रही है। यस, ये हमारी रिटायरमेंट पार्टी हो रही है। तो बस बारी बारी सब आके जो है स्वागत कर रहे हैं उनका। तो यहाँ पे गिफ्ट और वो सब दे रहे हैं, यहाँ पे मेरे पापा और मम्मी जो है वो गिफ्ट और साड़ी और वो सब दे रहे हैं। मौसी ये है मेरी मामी की बहन, ये है मेरे मौसा, और सब अब बारी बारी ये है जीजू और दीदी।
तो यहाँ पे है मेरी मामी के मायके का परिवार, वो था यहाँ पे जैनम और मैं आ गए हैं। जैनम जो है गिफ्ट दे ही नहीं रहा था दादाजी को, तो हम सब हंस रहे थे यहाँ पे, और लेके वापस आ रहा था, ऐसे कर रहा था। तो यहाँ पे जो है केक काटने का कोई जो है मामा का इरादा नहीं था, लेकिन हम सब की जिद पूरी करने के लिए छोटी सी केक हमने मंगवा ली, और जो है केक कटिंग का भी यहाँ पे जो है सेलिब्रेट कर दिया। और देखो बच्चे को, देखो बड़े से पहले बच्चे का बहुत मज़ा आता है। ये देखो यहाँ पे आ गए थे केक खाने के लिए सब। तो अभी ये हो रहा है गिफ्ट का, गिफ्ट खोलने का टाइम। और ये देखो बहुत सारे गिफ्ट आए थे, मेरे मामा को मिले थे गिफ्ट जो है उनकी ऑफिस में से सबने, फिर रिलेटिव ने सारे ने बहुत सारे गिफ्ट जो है भेज दिए थे। अब ये देखो ये है गणपति बप्पा की मूर्ति, वो सब शो पीस में रखने के लिए। ये है ग्लास जो मीनाकारी टाइप के ग्लास, और जो है बाउल और चम्मच, ये सब गिफ्ट में मिला था। ये रात का सीन है, करीब 8 या 9 बजे होंगे। और ये राधा कृष्ण का है, ये है बहुत बड़ी वाली जो है घड़ी, और उस टाइप का गिफ्ट था। तो बारी बारी से मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे जैनम रो रहा है क्योंकि उठ गया था, सो गया था, फिर बीच में सबकी आवाज़ आई तो फिर उठ गया और वो रो रहा था। यहाँ पे मेरे छोटे मामा का जो लड़का है वो आ गया है यहाँ पे दादाजी को जो है गिफ्ट देने के लिए, ऐसे ये चिराग, और सब साथ में बैठ के अभी देख रहे हैं कि क्या क्या गिफ्ट मिला है। तो ये भी दूसरी वाली जो है घड़ी, वाइट कलर की, बहुत बढ़िया थी। ये गणपति बापा की बहुत बड़ी मूर्ति थी, और बहुत बढ़िया बढ़िया गिफ्ट आई थी जो है हमें देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। और ये है बहुत बड़ा वाला जो है मिल्टन का जो है जग पानी का, बहुत बढ़िया था ये। और फिर दूसरा जो है ये है डिनर सेट, बहुत अच्छा वाला डिनर सेट था ये। और ये है जो अभी ओपन कर रहे हैं मेरे मामा, वो है सिल्वर कॉइन, वो लक्ष्मी माता जी का था शायद, और वो अभी दिखा रहे हैं हमें। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है हमने गिफ्ट रैपर निकाल दिए थे, तो पूरा जो है यहाँ पे बन गया था उसका ढेरा। और यहाँ पे ये है चाय की कितली, और बहुत बढ़िया बढ़िया गिफ्ट आए थे, तो हम इतना ध्यान से देख रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे कि अभी दूसरे में से क्या निकलेगा, इसमें से क्या निकलेगा, उसमें क्या होगा,
तो ऐसे जुगाड़ लगा रहे थे कि देखने में, और ये बहुत बढ़िया वॉल पीस है, गणपति बापा का था ये, बहुत मस्त लग रहा था ये। तो ये दीदी ने दिया था गिफ्ट, वो है ये फ़ोटो फ्रेम मामा और मामी की, बहुत बढ़िया थी, जो भैया की शादी में खिंचवाई थी उसका जो है बड़ा सा फ़ोटो फ्रेम बनवाया था, बहुत मस्त लग रहा था। और ये मैं लेके आई थी, जो सात घोड़े रहते हैं शुभ माना जाता है। तो और देखो यहाँ पे पूरा रैपर गिफ्ट का बहुत हो गया था, मिक्सचर भी था यहाँ पे, बहुत बढ़िया बढ़िया गिफ्ट मिले थे मामा को। यहाँ पे लक्ष्मी विष्णु की मूर्ति मेरे पापा लेके आए थे, वो था, वो मैं दिखा रही थी आपको। फिर ये घड़ी जो है वो नौसारी वाली मासी लेके आई थी, वो खोल रहे हैं और देख रहे हैं वो मामा। और यहाँ पे कपड़े भी आए थे जो है, सूट का कापड़ और वो सब। ये देखो यहाँ पूरा जो है घर भर गया था देखने के लिए, और सब बहुत मज़ा आया था। यहाँ पे दीदी और वो सब थे और बहुत मज़ा आया था। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक का था, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।